चार चार डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो जाता है और इससे सबसे ज़्यादा यहाँ की पब्लिक बर्बाद हो रही है, समझे ना। पहले भी आदमी डूब रहा था, अभी भी आदमी डूब रहा है। सरकार इसके लिए उदासीन है और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। अभी मैं खड़ा हूँ NIT घाट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। आपको बता दें, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज भी बिहार के कई ज़िले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नेपाल हर साल पानी जो है वो बिहार के क्षेत्र में छोड़ देता है और हर साल तबाही और बर्बादी देखने को मिलती है बाढ़ से। बहरहाल यही हम जानेंगे लोगों से कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज भी बिहार जो है वो बाढ़ के चपेट में और तबाही बर्बादी का एक मंजर देखने के लिए मिलता है। तो सरकार अस्थाई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अस्थाई क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार को इस पर क्या पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय। हालांकि आप यहाँ का मंजर देखिए किस तरीके से गंगा नदी जो है वो उफान खा रही है और पानी का बहाव तेज है, जलस्तर बढ़ चुका है। तो चलिए जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय कि सरकार को क्या अस्थाई व्यवस्था करनी चाहिए बाढ़ से तबाही बर्बादी का मंजर ना उत्पन्न हो, उसे रोकने के लिए। सरकार को तो करना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें सक्षम होगा तब ना कर पाएगा। क्या करना चाहिए? 13 जिला को उसके लिए जगह एडजस्टमेंट, उसके लिए तो सरकार सक्षम नहीं हो सकता है 13 जिला को। अपने पेड़ पौधा सब शहर में कट गया और उसके बाद में शहर में कटने के बाद भी कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा। क्या इंतजाम कराए जाने चाहिए? हम कराना चाहिए उनको, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? किस तरह का व्यवस्था करना चाहिए? व्यवस्था करना चाहिए कि जहाँ जहाँ बाढ़ का ज़्यादा चपेट में आता है वहाँ के गांव बस्ती में उनको सुरक्षित बढ़िया काम करना चाहिए। देखिए, हम लोगों को तो मालूम है ही इस बात को, हर बार तो आता ही है ये जी, और ये एक आपदा है जी, खासकर बिहार के लिए, उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी आपदा में बाढ़ को लिया जाता है जी। और क्या लगता है, क्या क्या इंतज़ाम सरकार को कराया जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 70 साल हो गए और हर साल यही मंजर देखने को मिलता है। जब गवर्नमेंट को भी मालूम होता है, बिहार सरकार को, कि हर एक साल ये बाढ़ आती है, तो इसका एक पुख्ता इंतज़ाम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार वही चीज़ होता है, हमेशा लोग मरते रहते हैं फिर भी वही चीज़ जो भी। तो एक पुख्ता एक कमेटी बननी चाहिए और इस पर एक विचार होना चाहिए कि हाँ भाई, क्या सही हल हो सकता है, एक समाधान जो कि बेहतर हो। आपको क्या लगता है सही हल क्या होगा, किस तरह का बंदोबस्त सरकार को कराने? बंदोबस्त जैसे कि कुछ ऐसा बांध का निर्माण किया जाए जी, नेपाल से कुछ मीटिंग करके कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे कि इस तरह की जो हानि होती है बहुत बड़े पैमाने पे जी, वो नहीं हो पाए। और जो ये जान माल की हानि बहुत व्यापक तौर पे, आज ही हम देखे हैं न्यूज़पेपर में कि एक बच्चा मरे हुए का, ये तो कितना विभत्स सीन होता है किसी भी नागरिक के लिए जो कि यहाँ पे जो बिहार में रह रहे हैं। उनको लगता होगा कि हमारे उत्तर भारत के जो लोग हैं, उत्तर बिहार के रहने वाले जो हैं, किस तरह की स्थिति को झेल पा रहे हैं। क्या लगता है बिहार सरकार इस बाढ़ की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही? गवर्नमेंट में चाहे आप रहे, चाहे हम रहे, चाहे कोई भी रहे, वहाँ पे जो जितनी मतलब सुविधाएं या जितना भी हो सकता है, जितने भी काम हो सकते हैं, वो कर रही है गवर्नमेंट अपने तरीके से। जो भी आपदा प्रबंधन जो बनाया गया है वो भी अपना काम सही तरीके से कर रहा है, लेकिन एक 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 समाधान जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कमेटियाँ बनती हैं, जब आता है बाढ़ इसके बाद हम लोग भी जगते हैं, गवर्नमेंट भी जगती है, फिर वही हाल हो जाता है, फिर हमेशा यही कंडीशन चलता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि एक पुख्ता इंतज़ाम हो कि मतलब कि वो हर एक साल जो आ रहा है ये बाढ़, इसका एक सही समाधान निकल के आए। चाहे वो आप नेपाल गवर्नमेंट से बात करके करिए, या पानी का कुछ ऐसा बांध बनाइए कि जो कि जिस तरह से डाइवर्जन हो पानी का, बांध नहीं टूटे, क्योंकि गवर्नमेंट तो जानती है कि हर साल यही चीज़ होने वाला है, ये तो ना हमसे छिपा है ना किसी से भी, हर कोई जानता है। लेकिन फिर एक
एक समाधान इसी समय हम क्यों ढूंढते हैं, जब जब पेपर में हम देखते हैं कि इतने सारे मतलब मौतें हो गई हैं या इस तरीके से? जैसे अभी बारिश हुई है तो गंगा जी में पानी है, जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उसमें पानी है, लेकिन जिन मेरा छोटा छोटा नदी है जैसे पटना के अगल बगल में मोरहर है या और भी दो चार नदी है जो मसौढ़ी साइड से आती है, वो सब सूखा हुआ है, उसमें कहीं एक बूंद पानी नहीं है। और आपके दक्षिणी बिहार में कहीं पानी नहीं है, और हमारा उत्तरी बिहार पूरी तरह देखिए कि अभी जलमग्न हो गया है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि उस नदी से इस नदी में पानी लाने का, खैर बीच में तो गंगा जी हैं तो ये संभव नहीं है, लेकिन उधर की भी जो नदी वैसा है जिससे उसको जोड़ा जा सकता है उसको जोड़ें, और डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। डैम इसलिए बनाना ज़रूरी है कि जब पानी आता है तो सब चला जाता है, रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, जिससे कि जल स्तर ऊंचा हो सके। और जब तक सरकार, और जब पानी बहुत आता है तो उसका है सबसे कि नदी सब भरा हुआ है, कहीं उड़ाही नहीं है, न कोई उसका बांध का व्यवस्था है, तो बांध का व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। जैसे सीतामढ़ी साइड में बागमती नदी है, आपको जानते हुए बागमती नदी में पहले बांध नहीं था तो वो लगभग 20 किलोमीटर में तबाही मचाए हुए था, कभी यहाँ कभी वहाँ वो बना दे रहता था, क्योंकि बागमती का गहराई नहीं है, चौड़ा भी नहीं है ज़्यादा, वो पानी आता है तो पूरा चौड़ ही समझिए कि धार बन जाता है। तो उसको एक करने के लिए बांध और खुदाई दोनों ज़रूरी है। कितना कैपेसिटी, जितना भी अभी तक बाढ़ आया हुआ होगा उस कैपेसिटी को हम लोगों को ये मान करके इतना पानी आया तो कितना हम बड़ा बांध और खुदाई करेंगे तो उतना पानी नदी के अंदर ही रह जाएगा, और जगह जगह सिंचाई के लिए उसमें तो हम बोलेंगे कि फाटक हो और डैम हो, ये सब बनाना ज़रूरी है। सरकार बहुत इसके प्रति उदासीन है, सरकार हमेशा इसके फंड को दुरुपयोग करती है और पब्लिक इससे कष्ट से जूझ रहा है, समझे ना, और पब्लिक को मतलब कष्ट में डाली हुई है। सरकार हर साल फंड के नाम पर लूट मचाती है, समझे ना, अस्थाई कभी भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। नेपाल से पानी छोड़ देता है, अपना बिहार डूब जाता है, तीन तीन डिस्ट्रिक्ट, चार चार डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो जाता है, और इससे सबसे ज़्यादा यहाँ की पब्लिक बर्बाद हो रही है, समझे ना। सरकार इसके लिए उदासीन है और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। बंदोबस्त सबसे पहले नेपाल का पानी रोका जाना चाहिए, उन तराई से जो पानी आती है वहाँ जो छोड़ देता है बिहार को डुबाता है वही है, समझे ना। यहाँ पर जो बांध है उसको और मजबूत ढंग से बनाए और बना करके उसका मतलब देख रेख करे, ये नहीं कि बना करके छोड़ दिए, ये सब चीज़ है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर साल यहाँ बाढ़ आता है और हर साल इसी तरह फंड का लूट मचाया जाता है, गवर्नमेंट इसके प्रति उदासीन है भाई। उसकी जिम्मेदारी बनती है ना, बाढ़ आने के पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर गौर फिक्र करे, देखे कि हम जो जितना जो काम करते हैं बाढ़ आने के पहले तो उस पर अच्छे तरह से इंजीनियर को लगावे या किसी को भी जिसको लगाना है उसको अच्छे तरह से काम करे उस पर ना। क्या क्या इंतजाम करने चाहिए थे सरकार को जो सरकार अब तक नहीं कर पाई? देखिए सरकार को उस पर क्या इंतज़ाम हो तो बेसिकली वो जानते हैं कि हमको कितना इंतज़ाम कैसे करना है जिससे बाढ़ की समस्या जो हर साल आती है उसको दूर हो और उसके तरफ बढ़िया तरह से काम हो, अच्छे ढंग से जो होना चाहिए। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि कैसे करेंगे, उनके पास इंजीनियर है, एक से एक इंजीनियर है उनके पास, जो बाढ़ की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए वो देखेंगे। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में बस खाना पूर्ति होती है सिर्फ। जब भी देखिए बाढ़ की समस्या क्यों आती है, इसे खाना पूर्ति जनरली होती है। क्या लगता है सरकार आपको इस बाढ़ की समस्या पे गंभीर दिख रही है? ये तो हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है कि इस बार भी यानी गंभीर दिख रही है। हर साल गंभीर दिखती है, हर साल बाढ़ आता है और दह जाता है, तब फिर बाद में जो है उसी तरह की बात होती है कि हाँ भाई अगले साल देखा जाएगा, अगली बार जो है अच्छे ढंग से काम किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पब्लिक क्या करेगी उसमें, बेचारी पब्लिक तो परेशान हो ही रही है हर तरफ से। जो पहले स्थिति था जो अभी आ रहा है
अभी कोई स्थिति बदला नहीं है। पहले भी आदमी डूब रहा था, अभी भी आदमी डूब रहा है। इंतजाम क्या हो इंतजाम पहले नाव आदमी जनता तहसील चंदा तहसील तहसील के नाव बनाता था, नाव से आर पार होकर के बाजार हाट करता था। हाँ, वो समस्या अभी भी नहीं है। हाँ, नाव के बंदोबस्त है। हाँ, वो चीज़ का अभी समस्या भी नहीं है। ये सब सरकार का होना चाहिए। देखिए सर, इस मामले में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सरकार जब जगती है, जब लाखों लोग बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं, लाखों मवेशी डूब जाते हैं, घर द्वार छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसा ना कर करके अगर बाढ़ आने से पूर्व ही तटबंधों को मजबूती से बनाया जाए और वहाँ कुशल इंजीनियर के द्वारा देख रेख किया जाए तो ऐसी स्थिति भयावह स्थिति नहीं आएगी। यानी कि बांधों को मजबूत करना। हाँ, अच्छा, अभी जिस तरह से बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, अभी क्या इंतजाम कराने चाहिए सरकार को? अभी तो जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द सारा सुविधा मुहैया कराना चाहिए, जैसे भोजन हो गया, राशन हो गया, मोमबत्ती हो गया, सलाई हो गया। अच्छा, ये बताइए कि बाढ़ पर सरकार कितनी गंभीर दिख रही है आप? सरकार गंभीर दिखती है, लेकिन गंभीर दिखने से नहीं ना होगा। अच्छा, जो लोग ग्रसित हैं उनका जाके समाचार देखिए कि वो लोग दिन रात कैसे गुजार रहे हैं, एक एक पल उन लोगों को गुजारना मुश्किल है। चर्चा डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो जाता है और इससे सबसे ज्यादा यहाँ की पब्लिक बर्बाद हो रही है, समझे ना। पहले भी आदमी डूब रहा था, अभी भी आदमी डूब रहा है। सरकार इसके लिए उदासीन है और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। तो आपने सुना, लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जब बाढ़ आता है और जब बाढ़ के चपेट में बिहार के कई जिले आ जाते हैं, जब वो भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सरकार की नींद खुलती है और फिर हर साल की तरह फिर सरकार सो जाती है। हालांकि लोगों का कहना था कि बांध बनवाने चाहिए, मजबूती के साथ बनवाने चाहिए, और अभी जिस तरह की तबाही देखने को मिल रही है बिहार के कई जिलों में, तो वहाँ पर खाने का बंदोबस्त, जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, खाने का बंदोबस्त और नाव का बंदोबस्त करा देना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब देखना यह है कि इस तरह की स्थिति, आज़ादी के 70 साल के बाद लगातार बाढ़ के चपेट में बिहार के कई जिलों का आना और तबाही बर्बादी मचाना, सरकार जागती तो सही है, जब बाढ़ आती है तो उस समय सरकार जाग जाती है और जब वो स्थिति जो है वो हल्का भी नियंत्रण में होता है उसके बाद फिर सरकार सो जाती है। तो क्या इस बार भी ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है तो सरकार इसे हल्के में लेगी या फिर इसे गंभीरता से लेगी? लाइव सिटी तमाम तस्वीरें पल पल की आप तक पहुंचाती रहेगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट रख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।